पर्सन, ऑफिशियल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब क्या? कि वो कोई भी काम करने में, मतलब कोई भी काम करने में कॉम्पिटेंट हो, या किसी भी काम को सुपरवाइज करने में कॉम्पिटेंट हो, एक्सपर्ट हो। ठीक है, कॉम्पिटेंट मतलब पर्सन मतलब क्या, कि इन रिलेशन टू एनी मशीनरी या कोई भी प्लांट या इक्विपमेंट। पहला कंडीशन है कि जो व्यक्ति 20 साल की आयु प्राप्त कर लिया हो, 20 साल एज कंप्लीट कर लिया है, और जिसका अपॉइंटमेंट कौन किया है, राइटिंग में मैनेजर के द्वारा, जिसका रिटेन में मैनेजर के द्वारा जिसका अपॉइंटमेंट किया गया है, किस लिए अपॉइंटमेंट किया गया है, या वो काम को सुपरवाइज करेगा, काम को सुपरवाइज करने में एक्सपर्ट रहेगा, या वो खुद वो काम को परफॉर्म करेगा, जैसे ऑपरेटर लोग हो गया, डंपर ऑपरेटर हो गया, तो क्या हो गया, वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, क्योंकि डंपर चलाने में उसको महारत हासिल है। ओवरमैन हो गया, वो डंपर नहीं चलाएगा, सॉवेल नहीं चलाएगा, ओवरमैन क्या करेगा, माइनिंग सर क्या करेगा, वो सुपरविजन में महारत हासिल किए हुए है, वो काम को सुपरवाइज करेगा। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंट पर्सन के अंदर था। कॉम्पिटेंट पर्सन वैसा पर्सन, किसी मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड, जो 20 साल की एज प्राप्त कर लिया हो, जिसका रिटेन में मैनेजर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, काहे के लिए किया जा रहा है, या तो किसी काम को सुपरवाइज करने के लिए या किसी काम को परफॉर्म करने के लिए। और इसके अंदर जो शॉर्ट फायर होता है, जो रेगुलेशन नंबर 190 में दिया हुआ है, तो शॉर्ट फायर भी क्या है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, मतलब वो ब्लास्टिंग वगैरह करवाता है ना शॉर्ट फायर, तो शॉर्ट फायर को ब्लास्टिंग वाले काम में महारत हासिल है, तो इसलिए शॉर्ट फायर भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन का हमेशा ये ध्यान रखना कि कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब किसी ना किसी काम को करने में एक्सपर्ट है। जैसे मान लो हम नॉर्मल की एग्जाम्पल दे रहे हैं, साइकिल बनाने वाला जो दुकान होता है, जहाँ साइकिल जो बना रहा है, तो वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है। किस सेंस में, वो साइकिल बनाने में एक्सपर्ट है, वो साइकिल बनाता है। मोटरसाइकिल रिपेयर गैरेज वगैरह में चला जाओ, तो वहां पे जो वर्कर लोग मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग का काम कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया, अगर हम लोग इधर से उधर रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी एक तरीके से कॉम्पिटेंट पर्सन हो गया, कि हाँ उसको मोटरसाइकिल का रिपेयर करना आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है। और उसी तरीके से हो गया ऑफिशियल, ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जिसका अपॉइंटमेंट ओनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है, टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन एमआई। ठीक है, सुपरविजन के लिए यहां किया जा रहा है, यहां कोई काम करने के लिए नहीं किया जा रहा है, सुपरविजन करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑफिशियल का डिफिनेशन के अंदर इसलिए वर्कर लोग या जो भी नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, या शॉर्ट फायर भी ध्यान रखना ऑफिशियल नहीं है, शॉर्ट फायर को भी कॉम्पिटेंट पर्सन बोला गया है, लेकिन शॉर्ट फायर का कभी भी कोई क्या क्वेश्चन आता है ना, तो आता है सीधा कॉम्पिटेंट पर्सन को, एक शॉर्ट फायर कॉम्पिटेंट पर्सन है कि नहीं। ऑफिशियल से कभी उसका क्वेश्चन पूछेगा ना, ऑफिशियल में जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है, बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कि ऑफिशियल मीन्स ए पर्सन जिसका अपॉइंटमेंट ओनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा किया जा रहा है, टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन ए माइंड, या माइंड से किसी पार्ट में। और इसके अंदर क्या आ गया, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, इंजीनियर और सर्वेयर आ गया। तो ये तुमको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि ऑफिशियल के डिफिनेशन के अंदर कौन आएगा। तो एक ऑप्शन हम तुम लोग बताए हुए थे ना अभी, क्या कहते टेस्ट वगैरह हम भी दिए होंगे, कि इसमें से कौन ऑफिशियल नहीं है, और ऑप्शन था असिस्टेंट मैनेजर, माइनिंग सरदार, सैम्पलिंग इंचार्ज और एक मैनेजर था। इसमें से कौन ऑफिशियल नहीं होगा, जल्दी से बताओ। तो जो मैनेजर है ऑफिशियल नहीं है, मैनेजर क्या कर रहा है, ऑनर एंड, और मैनेजर अपॉइंटमेंट कर रहा है उसका, तो मैनेजर को ऑफिशियल नहीं मानेंगे। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, माइनिंग सरदार, सैम्पलिंग इंचार्ज, बाकी जो भी दिया हुआ सब ऑफिशियल कहलाएगा, मैनेजर को हम लोग ऑफिशियल नहीं बोलेंगे। एडल्ट मतलब क्या, अभी देखो WCL के एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, कि एडल्ट मतलब क्या, जो 18 साल का एज प्राप्त कर लिया, जो 18 साल का एज कंप्लीट कर लिया है वो एडल्ट कहलाएगा, जो वोट देने लायक हो गया है वो एडल्ट कहलाएगा। और DGMS के लिए किस व्यक्ति को बोला जाए कि हाँ वो किसी भी एग्जाम में बैठने लायक है,
जो 20 साल का एज प्राप्त कर लिया हो वो डीजे में से किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए कॉम्पिटेंट है। मैनेजर मतलब क्या है? मैनेजर का अपॉइंटमेंट जो रेगुलेशन नंबर 27 के तहत किया गया है वो मैनेजर हो गया। असिस्टेंट मैनेजर मतलब क्या? असिस्टेंट मैनेजर जो होता है वो मैनेजर से नीचे होता है और ओवरमैन से ऊपर होता है, तो बीच में असिस्टेंट मैनेजर हो गया। तो मीन्स ए पर्सन जिसके पास क्या सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट है। आज जिसका अपॉइंटमेंट कौन किया है? रिटेन में ऑनर एजेंट और मैनेजर करता है। किस लिए? मैनेजर को असिस्ट करने के लिए। किस किस काम में मैनेजर को असिस्ट कर सकता है? मैनेजमेंट में, कंट्रोल में, सुपरविजन में, डायरेक्शन में, ये चारों काम में असिस्ट करने के लिए, मैनेजर को असिस्ट करने के लिए ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करता है? एक मैनेजर सर्टिफिकेट जिसके पास रहता है उसको एज ए असिस्टेंट मैनेजर बहाल कर देता है, जिसका रैंक मैनेजर से नीचे होता है लेकिन ओवरमैन और सरदार से ऊपर होता है, ये सभी को पता होगा। एजेंट मतलब क्या? अगर जब भी माइंस किसी माइंस के रिलेशन में बात होगा तो एजेंट मतलब क्या? मींस एवरी पर्सन, या तो जिसका अपॉइंटमेंट किया गया हो एज ए एजेंट या नहीं किया गया हो, ठीक है, वेदर अपॉइंटेड एज सच और नॉट, जो ओनर के बिहाफ में एक्ट करता है, जो ओनर के बिहाफ में काम करता है। मान लो ओनर तो हेडक्वार्टर में बैठेगा, तो फील्ड में ओनर के बिहाफ में जो काम करेगा वो एजेंट कहा सके कहलाएगा, ठीक है, या तो उसका एजेंट के रूप में बहाली हुआ हो या ना हुआ हो। हुआ हो तो ठीक है, नहीं भी हुआ हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो ओनर के बिहाफ में काम करेगा और मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ माइन और किसी पार्ट में जो पार्टिसिपेट करेगा, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन में, ये एजेंट का डिफिनेशन कर लिया। ये टर्म ध्यान रखना, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन, आ रहे हैं डाउट में आ रहे हैं। ओवरमैन मतलब क्या? क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए? कि जिस व्यक्ति के पास या तो ओवरमैन सर्टिफिकेट हो या मैनेजर सर्टिफिकेट हो, और जिसका मैनेजर के द्वारा राइटिंग में अपॉइंटमेंट किया गया हो। किस लिए अपॉइंटमेंट किया गया हो? तो सुपरविजन और कंट्रोल इन ए माइनर पार्ट दे रहे हो, अब वो सरदार से सुपीरियर होता है। देखो यहाँ पे ओवरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैनेजर के द्वारा रिटर्न में किया गया है, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर क्या लिखा हुआ है? ओनर एजेंट और मैनेजर कोई भी कर सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिशियल मतलब क्या? कि अगर माइंस में मैनेजर अब्सेंट है, जो रेगुलर मैनेजर था वो नहीं है, तो उसके अब्सेंट में जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिशियल रहेगा माइनिंग डिसिप्लिन का, माइनिंग डिसिप्लिन का जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल रहेगा वही प्रिंसिपल ऑफिशियल कहलाएगा, ठीक है। हाँ, एजेंट का अपॉइंटमेंट है ना वो ऑनर ही करेगा। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हम थोड़ा उसमें कुछ पॉइंट ऐड कर लेंगे तो कल बता देंगे वो। डीप होल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग मतलब क्या? अभी के क्वेश्चन, डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मतलब क्या? जहां पे ड्रिल होल किया जा रहा है 3 मीटर से ज्यादा डेप्थ का, और जिसका ओपन कास्ट में यूज किया जा रहा है ब्लास्टिंग पर्पस के लिए। तो क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से किसको हम डीप होल ड्रिलिंग बोलेंगे, और एग्जाम्पल था 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर और 2.9 मीटर और एक 3 मीटर। तो किसको इसमें बोलेंगे डीप होल ड्रिलिंग, कि इनमें से कौन सा जो दिया हुआ है डेप्थ वो डीप होल ड्रिलिंग कहलाएगा? 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, 2.9 मीटर, कौन कहलाएगा? 4 मीटर कहलाएगा। तभी ऐसा ही एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मतलब क्या? कि जहां पे ड्रिल होल जो डेप्थ ऑफ होल कर रहे हैं वो 3 मीटर से ज्यादा कर रहे हैं, और जिसका यूज ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर रहे हैं। मिस फायर मतलब क्या? सीधा डिफिनेशन यही आता है, मिस फायर मतलब क्या? फेल्योर टू एक्सप्लोड एफ एन इंटायर चार्ज ऑफ एन एक्सप्लोसिव इन ए शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल। मतलब शॉर्ट होल या ब्लास्ट होल है जिसमें एक्सप्लोसिव भरा हुआ है, और जब उसको क्या बोलो एक तरीके से एक्सप्लोडर से चाबी देके जब उड़ाने कोशिश किया तो उड़ा ही नहीं, फेल्योर टू एक्सप्लोड ऑफ है ना
इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव हो जा रहा है तो वो मिस फायर कहलाता है। तो सीसीएल में आया हुआ था ना ये क्वेश्चन, एक्सप्लोसिव ये वाला डिफॉल्ट वाला। तो मिस फायर क्या होता है ये ध्यान रखना, शॉर्ट फायर का क्वेश्चन एक दो एग्जाम में आ चुका है, ये भी शॉर्ट फायर आ चुका है कि शॉर्ट फायर का अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो 190 नंबर रेगुलेशन के अंदर किया जाता है। सॉकेट का भी डिफिनेशन आ चुका है। तो सॉकेट मतलब क्या, शॉर्ट होल ब्लास्ट होल या उसका कोई पार्ट जिसको हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, जो एक्सप्लोसिव चार्ज करके ब्लास्टिंग करते हैं ना, तो कोई भी शॉर्ट होल या ब्लास्ट होल या उसका पार्ट जो बच जाता है वही सॉकेट कहलाता है। लेकिन वो मिस फायर होल नहीं होता। मिस फायर में क्या होता है कि फेलियर टू एक्सप्लोड द इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोसिव भर के रखे हुए होल में वो ब्लास्ट ही नहीं होता है तो मिस फायर कहलाता है। लेकिन सॉकेट में क्या होता है कि ब्लास्ट हुआ होल लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो होल का है ना बच जाता है तो वो सॉकेट कहलाता है। तो ब्लास्ट तो हो गया इसलिए उसको मिस फायर होल हम लोग नहीं बोलते, ठीक है। ये सॉकेट भी किसी ना किसी एग्जाम में अभी एनसीएल एमसीएल डब्ल्यूसीएल एसीसीएल में आया हुआ है किसी एक ना एक एग्जाम में। परमिटेड एक्सप्लोसिव मतलब क्या कि एक्सप्लोसिव वो इस प्रकार, मतलब ऐसा फर्म के द्वारा बनाया गया है, मतलब ऐसा कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस टाइप का है जैसा चीफ इंस्पेक्टर टाइम टू टाइम बोलता है ना, जनरल और स्पेशल ऑर्डर में निकालता है, तो परमिटेड एक्सप्लोसिव होता है। तो परमिटेड एक्सप्लोसिव ऐसे जो डीएलएस में को डिफिनेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि जो डीजीएमएस के द्वारा जो एक स्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है जो उस टेस्ट को पास करता है एक्सप्लोसिव। परमिटेड एक्सप्लोसिव में क्या होता है, एक सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम बाइकार्बोनेट का एक लेयर होता है कि जब ब्लास्टिंग होता है तो इसके थ्रू क्या होता है CO2 गैस रिलीज होता है, CO2 प्लस H2O वगैरह रिलीज होता है। एक तरीके से जो भी स्पार्क वगैरह प्रोड्यूस होता है उसको बुझाने में हेल्प करता है, और जो भी स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो लास्ट करता है 1/1000 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 1000वां भाग जो बोलो उतना सेकेंड तक लास्ट करता है, मतलब तुमको पता भी नहीं चलेगा। मतलब जो स्पार्क वगैरह प्रोड्यूस होता है परमिटेड एक्सप्लोसिव में वो 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा जो होता है ना, मतलब 10^-3 सेकेंड या इसको क्या बोल सकते हैं 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड भी तो यही हो जाएगा 10^-3 सेकेंड, मतलब 1 मिली सेकेंड कितना होता है सोचो, 1 मिली सेकेंड तक ही वो स्पार्क वगैरह तुमको दिखेगा, बाद दिखेगा ही नहीं, तब लोग देख भी नहीं पाएंगे। तब परमिटेड एक्सप्लोसिव वही होता है जो डीजीएमएस के द्वारा स्ट्रिंजेंट टेस्ट पास करता है, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है कि जब ब्लास्टिंग होता है तो क्या होता है वो CO2 H2O प्रोड्यूस करता है तो स्पार्क वगैरह को फैलने नहीं देता है, बुझाने में हेल्प करता है, और साथ में जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो 1 सेकेंड का 1000वां पार्ट के लिए लास्ट करता है, मतलब बहुत कम समय के लिए लास्ट करता है। गैस का डिफिनेशन क्या होता है, बहुत ये गैस टेस्टिंग के एग्जाम में बहुत प्यारा क्वेश्चन हुआ करता था। तो गैस इंक्लूड्स फ्यूम और वेपर, बस और कुछ तुमको नहीं सोचना है। गैस मतलब क्या, गैस इंक्लूड्स फ्यूम और वेपर, इसमें तुम लोग नहीं सोचना है कि गैस के अंदर मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब गैस का डिफिनेशन बोल दो, वैसा नहीं बोलना है। वैसा एक लड़का जब CMR पढ़ के नहीं गया होता, हम लोग साथ ही था, वो जाके बोला गैस का डिफिनेशन बताओ, पूरा लंबा चौड़ा भाषण देना स्टार्ट कर दिया एकदम, बोलता नहीं CMR के अकॉर्डिंग बताओ क्या है डिफिनेशन गैस का। ये तुमको मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन मिलेगा किसी न किसी मॉक टेस्ट में, तो गैस इंक्लूड्स फ्यूम ऑन वेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो बच गया है वो कल कंप्लीट करवा देंगे और कल साथ में हम लोग MCQ डिस्कस कर लेंगे।